हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली आने वाली है और होली पर रंग खेलने के साथ साथ खाने पीने का भी अपना ही मज़ा है। तो इस मज़े को और भी दुगुना करने के लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार नमकीन। और घर पर बनी चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे कश्मीरी मिक्सचर नमकीन, जो घर पर बनाना बहुत ही आसान है। और यदि आपने अभी से इसे बनाकर रख दिया तो होली तो क्या, अगले एक दो महीने तक भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इसे स्टोर करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है कि सब इसे बार बार मांग कर खाएंगे। तो चलिए ये टेस्टी कश्मीरी मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है दालों को भिगोना। तो हमने एक कप मसूर दाल ली है, तो ये छिलके वाली साबुत मसूर दाल ले लेंगे और एक कप धुली हुई मूंग दाल ले लेंगे। तो ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है, तो दालों को भीगने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए दालों को हम पहले ही भिगो कर रख देंगे। तो इन्हें जैसे हमने ओवरनाइट सोक किया है, तो अगले दिन हम नमकीन बनाना शुरू करेंगे। तो दालों को हमने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद दोबारा इनमें पानी डाल देंगे। अब दाल से क्योंकि हम नमकीन बना रहे हैं, तो यदि ऐसे ही हम भीगी हुई दाल को फ्राई कर लेते हैं तो वो दाल फिर हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए हम दाल में डालेंगे थोड़ा सा सोडा। तो ये नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है, इसे खाने वाला सोडा, कुकिंग सोडा भी कहते हैं। तो चुटकी भर सोडा हम दोनों दालों में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सोडा डालने से जो दाल होती है उसकी नमकीन बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाती है। अब इन दालों को हम ऐसे ही 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 6 से 7 घंटे में दाल भीग कर काफ़ी अच्छे से फूल जाती है और ये अपनी मात्रा की भी दुगुनी हो जाती है। तो दोनों दालें काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं। तो अब क्योंकि इस दाल में हमने सोडा डाला था, तो दालों को हम क्या करेंगे, पहले अच्छे साफ़ पानी से धो लेंगे और धोने के बाद इनका जो पानी है वो निकाल देंगे। दालों को धोने के बाद इस तरह एक कॉटन के या मलमल के कपड़े पर फैला दें। तो मैंने दोनों प्लेट्स के अंदर ये दाल फैला दी है, अलग अलग ही इनको फैलाएं, एक जगह ना फैलाएं। अब इन दालों को हम पंखे के नीचे रख देंगे, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि दालों को हम थोड़ा सा फरहरा कर लेंगे, यानी इन्हें थोड़ा सा सूखने देंगे, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं सुखाएंगे, बस पंखे के नीचे ही इन्हें रख दें। अगले स्टेप में हम बेसन की सेव और बेसन की बूंदी बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ टाटा संपन्न का फाइन बेसन। ये 100% चना दाल से बना होता है। तो आप हो सके तो रेगुलर बेसन के बजाय ये जो फाइन बेसन आता है उसका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम बूंदी का घोल बना लेते हैं। तो इसके लिए एक कप हमने ये फाइन बेसन ले लिया है। तो पहले एक कप बेसन डालकर हम इसे छलनी में डालेंगे और छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो घोल हम बनाएंगे वो एकदम स्मूथ बनेगा, उसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेंगे। अब एक कप बेसन और लेकर इसे भी छान लेते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए टोटल हमने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल देंगे बहुत ही थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमकीन में आगे भी नमक डाला जाएगा। तो अच्छे फ्लेवर के लिए हम थोड़ा नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और क्योंकि बेसन हमने अच्छे से छान लिया है तो बहुत ही अच्छे से इसका बैटर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ेंगी। तो इस बूंदी के बैटर को बनाने के लिए मुझे 1.25 कप पानी का लगा है। आपको पानी की मात्रा कम या ज़्यादा भी लग सकती है। अब बैटर में जब पानी हम डाल दें और इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएं, तब हम इसे एक ही डायरेक्शन में 3-4 मिनट के लिए लगातार ऐसे फेंटेंगे। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अच्छे से बैटर को फेंटेंगे बूंदी उतनी ही गोल गोल और बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो ये देखिए, इस तरह जब हम बैटर गिरा रहे हैं तो ये बहुत ही आसानी से गिर रहा है, क्योंकि बूंदी बनाने के लिए इसी तरह का हमें बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो चाहिए। क्योंकि यदि बैटर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तब भी बूंदी नहीं बनेगी और पतला हुआ तब भी बूंदी नहीं बनेगी। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कटोरी में पानी लेंगे और इस तरह ये बैटर है वो इस पानी में डालकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने बूंदी का बैटर डाला है इसके अंदर,
ये एक शेप ले रहा है और नीचे जाकर ये बिल्कुल भी पानी में घुल नहीं रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से एरिएशन हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं घुला है। यदि बेसन पानी के अंदर घुल रहा है यानी जो बैटर है उसे और फेंटने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं बूंदी के बैटर की कंसिस्टेंसी को। तो ये बैटर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर ये ग्रीन फूड कलर। तो ये डालना ऑप्शनल है लेकिन जब आप डालेंगे तो क्या होगा कि बूंदी का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। इससे जो बूंदी बनेगी वो ग्रीन कलर की बनेगी तो नमकीन में देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जो सेव बनाएंगे उसमें हम कलर नहीं डालेंगे, वो हम ऐसे ही बनाएंगे तो वो येलो कलर की बनेगी और बूंदी हमारी ग्रीन कलर की हो जाएगी तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी नमकीन। तो बूंदी का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम सेव बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए दोबारा एक दूसरे मिक्सिंग बोल में हम 2 कप बेसन छान लेते हैं। तो सेव बनाने के लिए भी हमें बेसन को छान कर ही लेना है। तो ये 2 कप बेसन हमने छान लिया है और अब इसमें भी हम चुटकी भर नमक मिला देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब बूंदी का बैटर बनाने के लिए तो हमें पानी ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है क्योंकि हमें उसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन नमकीन बनाने के लिए हमें पानी कम ही इस्तेमाल करना है। तो पहले थोड़ा ही पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो टोटल इस बैटर को बनाने में यानी इस डो को बनाने में मुझे 3/4 कप पानी का लगा है। और ये देखिए इस तरह लटपटा सा आपको डो बनाना है। डो बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसे बारीक वाली सेव बनाएंगे। तो यदि आप ज़्यादा हार्ड डो इसे बनाएंगे तो क्या होगा कि सेव बिल्कुल भी आसानी से बन नहीं पाएंगी। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं तो इससे जो सेव बनेगी वो काफ़ी खस्ता बनेगी। तो ये देखिए इस तरह का डो ही आप बनाएं, एकदम लटपटा सा होना चाहिए। तो ये बेसन सेव का जो डो है वो भी बनकर तैयार है। तो हम अब कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। तेल जब तक गर्म हो रहा है मैं आगे की बातें आपको बताती हूँ। तो मैंने बूंदी बनाने के लिए ये बूंदी वाला झरा और एक कद्दूकस लिया है। तो बूंदी का झरा नॉर्मली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या कोई भी शॉप में मिल जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी मिलता है। तो ये एक खास तरह के डिज़ाइन में बना होता है जिससे बूंदी बनाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन यदि आपके पास ये झरा नहीं है तो आप कद्दूकस से भी बहुत आसानी से बूंदी बना सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें छेद बने हुए हैं और इसके चारों ओर ये जो कॉर्नर हैं इसके ऊपर उठे हुए हैं तो गोल भी इसमें आसानी से आ जाएगा और इसके जो छेद हैं वो भी एकदम परफेक्ट हैं क्योंकि ये नीचे जाकर एक दूसरी शेप ले रहे हैं। तो इससे बैटर बहुत ही आसानी से गिर जाता है। मैंने बूंदी बनाने के आपको 3 तरीके बताए हैं 3 चीज़ों से, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप अच्छे से उसकी जानकारी हासिल कर सकें। अब दूसरा हम ले लेंगे नमकीन बनाने की मशीन। तो ऐसे ये नमकीन बनाने की मशीन आती है और इसमें ये बारीक छेद वाली हम ले लेंगे जाली क्योंकि हमें बारीक वाली सेव बनानी है। तो ये भी ऑनलाइन भी मिल जाती है और दुकान पर भी मिल जाती है, लेकिन यदि आपको अवेलेबल नहीं होती है तो इस तरह कद्दूकस से भी आप बारीक वाली सेव बना सकते हैं। बस कद्दूकस से नमकीन बनाते समय आप हाथों का खास ख्याल रखें क्योंकि इससे हाथ भी कट सकता है। तो नमकीन बनाने का भी मैंने एक अलग वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने 2-3 तरीके बता रखे हैं नमकीन बनाने के। तो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। अब तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और सबसे पहले हम इसमें बूंदी फ्राई करेंगे। तो इसके लिए बूंदी का थोड़ा सा बैटर डाल के देखें। तो जैसे ही हमने बैटर डाला ये तुरंत ही फूलकर ऊपर आ गया है, यानी तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। तो तेल का टेम्परेचर बहुत ही मायने रखता है बूंदी बनाने के लिए। तो अब मैं कद्दूकस में घोल डाल रही हूँ और ये देखिए आराम से गिर रहा है। इसको बिल्कुल भी आप ऊपर नीचे नहीं करें, बस एक ही जगह रखें और एकदम पास में भी ना कढ़ाई के रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा पास में कर देंगे तेल के तो फिर बूंदी गोल गोल नहीं बनेंगी, वो चपटी हो जाएंगी। तो तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होना चाहिए और घोल की कंसिस्टेंसी कैसी ही होनी चाहिए उसका टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप 1-2 छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आप मार्केट से भी बढ़िया बूंदी घर पर बना पाएंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई हैं। तो इन्हें हमने एक छलनी में निकाल लिया है। एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह हम निकाल देते हैं और बाकी बचा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसके लिए हम एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर इसे निकाल देते हैं। तो ये 2 बैच में मैंने बूंदी को फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है नमकीन सेव बनाने की।
तो इस तरह मशीन में डो डालकर हम मशीन को इस तरह घुमा देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये फ्राई हो चुकी हैं। जैसे ही आप डालेंगे तो ये अपने आप शेप ले लेंगे और बहुत ही जल्दी से ये बन जाती हैं बूंदी और नमकीन, ज़्यादा समय नहीं लेती हैं फ्राई होने में। तो ऊपर से भी ऐसे चला देंगे और जब थोड़ी देर हो जाए और इसकी जो झाग हैं वो कम होना शुरू हो जाए तब इसे पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो बस ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है और जैसे ही ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है तो इसके जो झाग हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं, सारे तेल को ऐसे झाड़ देते हैं और अब इस नमकीन को एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल देंगे ताकि जितना भी इसमें ऑयल रह गया है वो भी अब्सॉर्बेंट पेपर में सोख हो जाए। अब जो दाल हमने सुखाने के लिए रखी थी वो देखिए ऐसे फरवरी सी हो गई है, यानी जब आप इसे छुएंगे तो इसमें ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा। तो अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दालों को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम फुल रखें, क्योंकि यदि आप गैस का फ्लेम कम कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को अब्सॉर्ब कर लेंगी। दाल अंदर से काफ़ी गीली होती है, इस वजह से इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है और बीच बीच में हम ऐसे चलाते रहेंगे। तो मसूर दाल को हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी खस्ता हो गई, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, बहुत ही अच्छी खस्ता नमकीन बनी है। और इसको जानने के लिए एक तरीका ये भी है कि दाल जब खस्ता हो जाती है या पक जाती है तब ये फूटने लगती है। तो इसे भी हम छलनी में निकाल लेते हैं। अब ये मूंग दाल भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने फुल ही कर रखा है। तो बस आपको यदि बूंदी और जो नमकीन सेव है वो बनाना आ गया तो फिर तो ये नमकीन बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ये मूंग दाल नमकीन को भी हम निकाल लेते हैं और दाल की नमकीन तो आप ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसके अंदर फ्राई करेंगे ये लच्छे, सूखे आलू के लच्छे हैं ये, आलू के चिप्स भी कह सकते हैं। ये एक कप ली है मैंने, इसे ऑनलाइन मंगाया है, आपको यदि ग्रोसरी शॉप पर मिल जाए तो ले सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये भी क्योंकि सूखी होती है तो तुरंत ही ये फ्राई हो जाती है, तो फटाफट ही इसे निकाल लें। तो इससे टेस्ट नमकीन का बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर फैला देते हैं। और अब बारी आती है इसमें फ्लैटन राइस यानी पोहा और जिसे चिवड़ा भी कहते हैं उसे फ्राई करने की। तो एक कभी मैंने पोहा लिया है और पोहा देखिए जैसे ही डाले ये फ्राई हो गया है क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है। अब पोहे को हम निकाल कर इसे भी अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे या फिर लो कर देंगे क्योंकि अब इसमें हम फ्राई करेंगे मूंगफली। तो ये एक कप मैंने मूंगफली ली है, मूंगफली को इस तरह छलनी में डालकर ही फ्राई करें ताकि इसे निकालना काफ़ी आसान हो, क्योंकि तेल गर्म है तो ये काफ़ी जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। कश्मीरी मिक्सचर में मूंगफली नहीं डाली जाती है लेकिन मूंगफली का फ्लेवर तो नमकीन में सबको ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है और इसे भी अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं। अब सेम छलनी के अंदर हम डालेंगे एक चौथाई कप ये खरबूजे के बीज, तो इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसका टेस्ट भी नमकीन में काफ़ी अच्छा आता है, तो ये भी बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। इन्हें भी हम मूंगफली के साथ अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं। और अब तेल काफ़ी गर्म है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें आधा कप ये काजू डाल देंगे। काजू को मैंने हाफ के पीसेस में कट कर लिया है और काजू बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये सारी फ्राई करने वाली चीज़ें हमने फ्राई कर तैयार कर ली हैं। तो ये देखिए ये देखने में ऐसे ही कितनी अच्छी लग रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सेव हमने बनाई थी उसे हम इस बर्तन में निकाल कर फिर ऐसे तोड़ लेंगे। तो इसे एकदम बारीक बारीक कर लें, तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है तो बहुत ही आसानी से टूट जाती है। और अब हम इसमें दालें डालेंगे। तो दाल आप देख सकते हैं जो मसूर दाल है वो कितनी खस्ता हो गई है। अब इसमें डालेंगे आलू के लच्छे और क्योंकि इनकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी है तो हम इसे भी तोड़ लेते हैं थोड़ा। अब इसमें फ्राई किया हुआ पोहा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी हरी बूंदी जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं और इस नमकीन को एक बहुत ही अच्छा लुक भी देंगी। और लास्ट में काजू, खरबूजे के बीज और ये मूँगफली डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके लिए बनाएंगे हम एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला, क्योंकि मसाले के बिना तो नमकीन अधूरी है। तो इसके लिए ले लेते हैं हम एक ग्राइंडर जार
और इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च। काफ़ी सारे हम मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मात्रा आप थोड़ी थोड़ी ही लें। 7 से 8 लौंग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इलायची के दाने, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा तोड़कर डाल देंगे, 1 मैके यानी जावित्री तोड़कर डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर जो भुना हुआ नहीं है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच नटमेग पाउडर यानी जायफल को या तो आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर इस तरह कद्दूकस करके डाल दें। 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हींग, इसमें चटपटा फ्लेवर लाने के लिए 1 छोटा चम्मच डालेंगे आमचूर का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जाएगा इसके अंदर सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर काला नमक और 1 छोटा चम्मच ही सफ़ेद नमक। सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी और सारे मसालों को अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है और जैसे ही हमने ये खोला है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इस पाउडर को हम नमकीन में मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने नमकीन थोड़ी बचा ली है और थोड़ी नमकीन इस बोल में निकाल ली है। तो थोड़ी नमकीन आप अलग से सेपरेट रखें ताकि यदि आपको मसाले कम या ज़्यादा लगे उसके अकॉर्डिंग आप नमकीन को उसके अंदर ऐड कर सकें। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के लिए इस तरह प्लेट लगाकर इसे अच्छे से शेक करें तो मसाले काफ़ी अच्छे से इन पर कोट हो जाएंगे या फिर जिस डब्बे में आप स्टोर कर रहे हैं उस डब्बे में ये मसाला डालकर उसे अच्छे से शेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया मज़ेदार सी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। क्या ये लग रही है किसी भी मायने में आपको मार्केट की नमकीन से कम? तो बस थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इस नमकीन को बनाकर आप किसी को खिलाएंगे तो सही कहती हूँ, तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो दोस्तों आप भी ये नमकीन ज़रूर बना के देखें, मुझे उम्मीद है आपको ये नमकीन बहुत पसंद आएगी। तो यदि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने कीमती सुझाव भी मेरे साथ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।